सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से मेरे होम किचन में। आज लेकर आ गया हूँ पनीर भुर्जी, जो बन जाती है बहुत ही झटपट। जी हाँ, फ्रेश पनीर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ले लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच इतना तेल। तेल में हम लोग यहाँ पे मैंने चॉप ऑनियन के साथ थोड़ी ग्रीन चिली ले लिया, लगभग 1 या 2 ग्रीन चिली आप ले सकते हो स्पाइस के हिसाब से। ऑनियन कुक होने के बाद उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद कुक होने के बाद थोड़ा सा टोमेटो ऐड कर लेंगे। टोमेटो लगभग मैंने 2 लिया है, मैंने हैंड ग्राइंडर से चॉप किया है। और टोमेटो को पकाने के लिए हम लोग उसमें नमक डाल देंगे। नमक के बाद अब बारी है हल्दी की। हल्दी पाउडर मैंने डाल लिया है, अभी रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर के बाद अभी हमारा गरम मसाला आ गया है। उसको मसाले को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हम मसाला और जो पेस्ट है वो अच्छे से पक जाए। और दोस्तों, ये देसी घी 1 चम्मच मैंने डाला है। आप पनीर भुर्जी में देसी घी अगर डालते तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये हम लोग फ्रेश पनीर निकाला है हम लोग ने, जो दूध से फाड़ के हम लोग ने उसको बनाया है। फ्रेश पनीर का इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो फ्लेवर है, उसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। बाजार से पनीर के तो बहुत अच्छा आता है, तो दूध से निकाल लेंगे, बहुत इजी है, गर्म करके आप निकाल सकते हो। लगभग हमारा पनीर भुर्जी हो गया है। उसमें मैंने आधा नींबू डाला है और फ्रेश ताज़ा धनिया डाल के हमारा जो पनीर भुर्जी है वो तैयार हो गया है। दोस्तों, ये वाला पनीर भुर्जी बहुत इजी है बनाने में, खाने में जो है आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। आप रेस्टोरेंट से जो खा रहे हो, आप बाहर से जो खा रहे हो, उससे बिल्कुल अलग होगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक यू।